क्वेश्चन किया आपने? हम तो पूरा किए हैं सर, पूरा किए हैं। माइनस मार्किंग नहीं था, मालूम था क्या? हाँ मालूम पहले। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे बैकग्राउंड में, आज हम लोग काफ़ी टीम बना कराए हुए थे। उधर से मैं लास्ट साइड से परिचय कराता हूँ। सतीश सर को आप लोग जानते होंगे, UPR विनल झांसी में ज्वाइन कर रखे हैं, लेकिन दो दिन के लिए छुट्टी पर थे। उसके बाद साथ में पीयूष सर हैं, ये भी CTI हैं, हमारे यहाँ स्टाफ भी हैं। साथ में अभिषेक सर को आप लोग पहचान रहे होंगे, परिचय की जरूरत नहीं। और पीछे हैं प्रीतेश सर, और ये हमारे स्टूडेंट भी हैं, लेकिन आज ये फ्री थे, CM भाई हैं। उसके बाद वीरेंद्र सर, चंद्रदेव ITI के प्रबंधक, आप लोग पहले भी काफ़ी वीडियोस में देख पाए होंगे। तो हम लोग आज सेंटर पर मौजूद थे, और पहले जो सिलसिला होता था कि बच्चों से पूछना कि क्वेश्चन वगैरह कैसे आता है, वो सब हमने किया। साथ ही हम सभी लोगों ने मिलकर कुछ अरेंजमेंट भी किए थे बच्चों के लिए, क्योंकि गर्मी का मौसम है। जैसे ही छूटे बच्चे, सबके लिए इंडिविजुअल पानी का बॉटल, और उसके बाद एक एक बच्चों को एक छोटा बिस्किट का पैकेट, एक हमने कोशिश की थी। और कोशिश अगर आप लोगों को पसंद आई तो, अगर ये काम मतलब एक हमने लगा कि नहीं कुछ ऐसा करना चाहिए, तो हमारी एक छोटी सी कोशिश थी। अगर आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को लाइक और कमेंट करके आप अपना राय जरूर दीजिएगा। इलेक्ट्रीशियन है सर, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर है? सेकंड ईयर सर। कितना क्वेश्चन किया आपने सर? टोटल पूरा कर दिया। कितना? 100 क्वेश्चन? जी नहीं, 75 क्वेश्चन। मतलब ठीक है, आपने देखा था लगभग कितना सही होगा? लगभग सर हमको लग रहा है सर, जो 38 नंबर का जो टेक्नीशियन का जो हम लोगों का था, उसमें 30 के ऊपर ही जाएगा। और इसके बाद जो वर्कशॉप कैलकुलेशन, और उसके बाद फिर 6 नंबर का ड्राइंग था, ये तो पूरा पूरा सही, ये तो पूरा पूरा मिल गया ना। इम्प्लॉयमेंट स्कीम में भी सर लगभग हमको लग रहा है कि चला जाएगा, 20 के ऊपर ही जाएगा। तो उसमें लैंग्वेज क्या थी, हिंदी या इंग्लिश? एम्प्लॉयबिलिटी वाला? एम्प्लॉयबिलिटी वाले में सर इंग्लिश भी था, हिंदी भी था सर। मतलब चेंज करने के लिए ऑप्शन आ रहा था या नहीं? नहीं सर, एक ही साथ होना था। अच्छा, मतलब थ्योरी वाले में भी इंग्लिश हिंदी दोनों एक साथ दिखा रहा है? मतलब चेंज नहीं करना? नहीं नहीं। चलिए पहले अपना नाम बता दीजिए। धीरज राज। कौन सी ट्रेड है? इलेक्ट्रीशियन। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड है। कौन सी कॉलेज से हुआ? चंद्रदेव प्राइवेट ITI जोधपुर रामपुर। फर्स्ट ईयर है, सेकंड ईयर है? सेकंड ईयर है। सेकंड ईयर है। कितना क्वेश्चन किया आपने? पूरा पूरा कंप्लीट आ रहा था या ऐसे? एकदम आ रहा था, एकदम आ रहा था। मतलब सही हो जाएगा सब? सही सही हो जाएगा। वर्कशॉप कैलकुलेशन और ड्राइंग वाला क्वेश्चन कहाँ से मिला था? वो भेजे थे सर, आप पढ़ाए थे ग्रुप बैठे यूट्यूब चैनल से ना, तो वहाँ पे मिला था ना। 6 के 6 मैच किया होगा पूरा। इम्प्लॉयबिलिटी और अरे वो क्या ड्राइंग और वर्कशॉप, 12 सही हो गया। सब सही हो गया? हाँ सब फंस गया। चलिए ठीक है, ठीक है, धन्यवाद। नाम बता दीजिए आप? विवेक सिंह। कौन सी ट्रेड है? इलेक्ट्रिकल, मतलब इलेक्ट्रिशियन। हाँ ठीक है। फर्स्ट ईयर है, सेकंड ईयर? सेकंड ईयर। सेकंड ईयर है। और कितना क्वेश्चन किया आपने? लगभग सारे हो गए। 75 क्वेश्चन आ रहे होंगे ना? क्वेश्चन कहाँ से आ रहे थे? क्वेश्चन मेनली जो है, अगर मैं अपने ट्रेड से देखूँ, मतलब कि मेरे में तो आसानी क्वेश्चन थे, उतने हार्ड क्वेश्चन नहीं थे। ठीक है, मेनली आए थे जो स्विचिंग वाले क्वेश्चन हैं वो ज़्यादा आ रहे थे मेरे वाले में। मेरा उसका था, उसमें स्विचिंग वाले क्वेश्चन ज़्यादा थे। ट्रेड के हिसाब से एम्प्लॉयबिलिटी, मतलब मेरा जो पेपर सेट था मुझे वो आसान लगा था। आसान लगा था। चलिए अपना नाम बताइए सबसे पहले। संतोष चौहान। कौन सी ट्रेड है? इलेक्ट्रीशियन। फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर? सेकंड ईयर है। क्वेश्चन सब, कितना क्वेश्चन किया आपने? हम तो पूरा किए हैं सर, पूरा किए हैं। माइनस मार्किंग नहीं था, मालूम था क्या? हाँ मालूम, पहले से मालूम था। पहले से मतलब पेपर ठीक हुआ है ना? पास हो जाएंगे? पास हो जाएंगे। चलिए ठीक है, पहले अपना नाम बता दीजिए। विजय कुमार। कौन सी ट्रेड है? इलेक्ट्रीशियन। इलेक्ट्रीशियन है। सेकंड ईयर है, फर्स्ट ईयर? सेकंड ईयर। सेकंड ईयर है। क्वेश्चन कितना अटेम्प्ट किया था आपने? पूरे 50 में, हम 75 में, हमको लगता है 70 तक पूरा मार दिए। पूरा एक छोड़ भी दिए थे क्या? जी। माइनस मार्किंग नहीं था, पूरा कर देना चाहिए। जी पूरा कर दिए, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा हूँ। अच्छा अच्छा। हाँ मतलब, हाँ जो नहीं आता था, 2-4 क्वेश्चन उसको भी किया। मतलब पेपर सही हुआ है ना? जी एकदम बिल्कुल सही। श्याम कुमार दुबे। ट्रेड कौन सी है? यार सेकंड ईयर है। सेकंड ईयर है ना? ट्रेड इलेक्ट्रीशियन है। कैसा पेपर हुआ? एक नंबर। क्वेश्चन सब कहाँ से आया हुआ था? क्वेश्चन मशीन से था, और अधिकतर मेरे में मशीन से ही था। ज्यादातर मशीन में था। ड्राइंग वाला और वर्कशॉप कैलकुलेशन वाला मिला था कि नहीं? हाँ मिला था, मिला था। टोटल जो बताए थे वही मिल गया। जो क्वेश्चन ईडी और कैलकुलेशन का मिला, मतलब जो दिया था आपने, मतलब जो PDF था जी, और जो PDF पढ़ा होगा तो उसका 90+ होगा ही, 100% होगा, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन अच्छे थे पूरा का पूरा। लेकिन किसी जैसे मेरे में मशीन का पूरा शंट सीरीज कंपाउंड मोटर तक आ गया था। अच्छा, अंदर तक कर लिया था। मतलब किसी में मशीन का ज्यादा क्वेश्चन, किसी में ज्यादा था, लेकिन किसी एक दो क्वेश्चन न्यूमेरिकल भी था। वो पोल का था कि NP5Z/B से फार्मूला लगा के उसको भी निकालना था, पोल का क्या कहते हैं, कितने पोल के हैं, और एक और हंटिंग के लिए क्या यूज़ करते हैं, कौन सा वाइंडिंग करते हैं, तो वो जो हिस्टेरेसिस लॉस होता है, तो हिस्टेरेसिस लॉस में आपने क्या कहते हैं, क्यों करते हैं, नॉइस को कम करने के लिए, मतलब हिस्टेरेसिस मोटर जो यूज़ करते हैं, हिस्टेरेसिस मोटर क्यों यूज करते हैं, मोटर नॉइस कम नॉइस के लिए यूज किया जाता है, इसके लिए ऐसे। और बाकी का और कुछ टफ नहीं था। अच्छा, बाकी ये प्लस बी का होल स्क्वायर आया था। अच्छा, वो कैलकुलेशन वाले में। हां, वो प्लस बी का होल स्क्वायर टफ नहीं था, मतलब नॉर्मल था,
लेकिन जो पढ़ा होगा उसमें से जो मतलब फर्स्ट ईयर में मैं 91.7% था फर्स्ट ईयर में, अब सेकेंड ईयर में पता नहीं कितना होगा, लेकिन वैसा ही पेपर गया है। और हम बताएं आपको, हम लगभग 3 दिन पढ़े ऐसे, और वो भी और बाकी मैं वीडियो देखता था लेकिन ये जो 3 दिन ये जो था ये क्या कहते हैं पीडीएफ था ना वो पढ़ा मैंने, और पीडीएफ से बड़ा अच्छा क्या बैकअप मिल जाता है और रिवीजन भी हो जाता है। और ऐसे ही ऐसे ही करते हैं। आपका भी इलेक्ट्रिशियन ट्रेड है? ऐसे ही सर, आपका पीडीएफ सर बनाइए ऐसे ही, बहुत अच्छा बनाते हैं। डीसी का भी साइन आया था, बैटरी वैटरी सब एकदम आप में एकदम 100% है। किसी में तो मतलब ये बी बराबर आई आर ऐसे करके फार्मूला भी आया था किसी में ऐसे करके। चलिए थैंक यू सर, थैंक यू सर। बता दीजिए। विजय भानु प्रताप सिंह। ट्रेड कौन सी है? हीटर, सेकंड ईयर जी। कितना क्वेश्चन किया आपने? पूरा है। पूरा कर दिया है? माइनस मार्किंग नहीं था मालूम था पहले जी सर। अच्छा, कितने सही होंगे लगभग आपके? लगभग सर मस्त सर, मतलब 70% मतलब 70 प्लस सही होगा। चलिए अच्छी बात है। कहाँ से पढ़े थे आप? सर यूट्यूब से, ग्लोबल ग्लोबल जी सर। नहीं सर, तो आप लगभग पहचान नहीं रहे थे जब शुरू में आए तो जी? पहचान नहीं रहे थे? पहचान रहे, दूर से थे ना सर। दूर से थे। चलिए ठीक है। इलेक्ट्रीशियन फिटर। अच्छा, एक इलेक्ट्रीशियन एक फिटर है, तो ठीक है स्टार्ट करें। चलिए पहले अपना नाम बता दीजिए। सर अभिनंदन भारती। अच्छा, कौन सी ट्रेड है? इलेक्ट्रीशियन। हाँ, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर? सेकेंड ईयर। कितना क्वेश्चन किया आपने? सर हम टोटल किए, उसमें से एक दो मिस्टेक हो गया है, मतलब इधर उधर नया मतलब दे दिए थे सर। अच्छा, एक दो मतलब नया टाइप का आ गया जी सर। चलिए कोई बात नहीं। जो आप इम्प्लॉबिलिटी में पढ़ाए थे नया सर जी, वो सब फंसा था। इम्प्लॉबिलिटी में विवेक करने पढ़ाया था? हाँ वहीं सर, हम पहचान ही नहीं पाते हैं। पहचान नहीं पाते हैं ना, जो थे ज़्यादा तो लोग कहते हैं थर ही वाले हैं क्यों वाले हम पहचान नहीं पाते हैं। चलिए, तो ज़्यादातर कहाँ से आपने पढ़ाई की थी? सर ग्लोबल ITI से। नहीं मतलब आपको मिला कहाँ से था जो क्वेश्चन वगैरह आ रहा है? सर हमारे विद्यालय चंद्रदेव प्राइवेट ITI रामपुर जीवन गाजीपुर पढ़ता है, वहाँ से सब सर वहाँ पे सब कुछ व्यवस्था है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों पढ़ाई होता है। क्या वहाँ प्रबंधक का नाम क्या अभिनंदन सर है ना? जी सर। चलिए ठीक, आप आ जाइए। अरे लिए यार, चलिए अपना नाम बता दीजिए। नीतीश कुमार। नीतीश कुमार कौन सी ट्रेड है? थिएटर है। तो फर्स्ट ईयर है सेकंड ईयर है? सेकंड ईयर। अच्छा, आपका भी सेकंड ईयर है। कॉलेज कौन से कॉलेज से हैं आप? चंद्रदेव ITI प्राइवेट फिरोजपुर रामपुर जीवन। मतलब आप भी चंद्रदेव ITI थे जी। चलिए, कितना क्वेश्चन किया आपने? टोटल कर दिया सर। टोटल पूरा कंप्लीट जी। माइनस मार्किंग नहीं था मालूम था? माइनस मार्किंग तब भी पूरा सही है सर, मतलब पूरा आ रहा था जी। चलिए, ड्राइंग वगैरह उसका वक्त समय मिला जी, जीरो टू हीरो में सब एकदम छः का छः जो सब जीरो टू हीरो में सब मिल गया ना जी। चलिए ठीक है, धन्यवाद। राजभाषण अमित, कौन सी ट्रेड है? इलेक्ट्रीशियन। कॉलेज का नाम क्या है? चंद्रदेव प्राइवेट ITI फिरोजपुर रामपुर जीवन। हाँ, ये सारे बच्चे लगातार चंद्रदेव ITI वाले आ रहे जी। कितना क्वेश्चन किया आपने? टोटल सब किया, पूरा कंप्लीट जी। मतलब 2-4-5 बस कंफ्यूजन में, बाकी सब टोटल बाकी सब क्लियर है, मतलब 70 एकदम क्लियर है, 2-4-5 में भी सही होगा। ड्राइंग और वर्कशॉप में से 11 क्वेश्चन फंसे, जो जीरो टू हीरो वाला में से एक छोड़ वाले में से 11 सेम टू सेम फंस गए, एक छोड़कर एक छोड़कर फ्यूज बिना बोर्ड के फ्यूज करके दिया था वो सिंबल वाला। अच्छा, वही बस थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया, बाकी सब टोटल सर। बाकी टोटल हो गया ना जी। चलिए, गिर गया थे जी जी। बारिश में क्या? नहीं, ऊपर से पेड़ पे सीटा गिर गया था। पेड़ पे क्या, जामुन उमुन खा रहे थे क्या? चलिए नाम बताइए पहले। मेरा नाम अरविंद यादव और चंद्रदेव प्राइवेट ITI से वीरेंद्र सर का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। ट्रेड कौन थी आपकी? मेरी ट्रेड इलेक्ट्रीशियन सेकंड ईयर थी। इलेक्ट्रीशियन सेकंड ईयर जी। कितना क्वेश्चन किया आपने? वर्कशॉप और ये क्या बोलते हैं, वर्कशॉप कैलकुलेशन में और इंजीनियरिंग ड्राइंग, हाँ उसमें का टोटल कर दिए हैं सर। टोटल कर दिए? हाँ, ये थ्योरी में का थोड़ा फंसा है, IT स्किल में थोड़ा मोड़ा फंसा है, नहीं तो सब हो गया है। अच्छा, मतलब उसमें थोड़ा बहुत आपका गड़बड़ होगा। हाँ, थोड़ा मोड़ा पास हो जाएंगे ना? हाँ, पास हो जाएंगे। चलिए फिर ठीक। पहले अपना नाम बता दें। शुभम यादव नाम। कौन सी ट्रेड है? फिटर सर। फर्स्ट ईयर है सेकंड ईयर है? सेकंड ईयर। कितना क्वेश्चन आया था? 38 क्वेश्चन था फिर उसका थ्योरी का। हाँ, इम्प्लॉबिलिटी का 6 क्वेश्चन, ड्राइंग का 6, 25 था इम्प्लॉबिलिटी का, इम्प्लॉबिलिटी का क्वेश्चन 6 रहा होगा ना? टोटल मतलब पूरा कर दिए? हाँ, पूरा क्वेश्चन। पहले से मालूम था माइनस मार्किंग नहीं है? हाँ, पहले से मालूम, इसलिए पूरा कर देंगे ना। चलिए ठीक है।